घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड का अध्ययन करेंगे। मानस और थॉमस कुछ वस्तुएं डिब्बों में भरने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मानस, मैं घनाकार डिब्बा बनाऊंगा और तुम घनाभाकार डिब्बा बनाना। लेकिन हमें अपने अपने डिब्बे बनाने के लिए कितने गत्ते की आवश्यकता होगी? चलो हम गणित द्वारा इस दुविधा का हल ढूंढ ले। अरे वाह, इसका मतलब ये गणित का समय है। हमने पिछली कक्षा में घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अध्ययन किया था। क्या तुम्हें इसका सूत्र याद है? बिल्कुल, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया को उसके किसी भी एक वर्गाकार फलक के क्षेत्रफल L वर्ग को 6 से गुणा करके ज्ञात किया जा सकता है, जहां L घन की किसी भी भुजा की लंबाई है और घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया को ज्ञात करने के लिए हम उसके किसी भी एक फलक के क्षेत्रफल L वर्ग को 4 से गुणा करेंगे। बिल्कुल ठीक। और मेरे घनाकार डिब्बे की भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। क्योंकि हमें घनाकार डिब्बा बनाना है, इसमें इस्तेमाल होने वाले गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। चलो मैं जल्दी से यहाँ L की जगह अपने घनाकार डिब्बे की भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर लिखकर इसे हल कर लूं। देखो मानस, मेरा घनाकार डिब्बा बनाने के लिए 3750 वर्ग सेंटीमीटर के गत्ते की आवश्यकता है। अरे वाह थॉमस, अब मेरी बारी। हमने अध्ययन किया है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया L गुणा B, B गुणा H और H गुणा L के योग को 2 से गुणा करके ज्ञात किया जा सकता है, जहां L, B और H क्रमशः घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया L और B के योग को 2 गुणा H से गुणा कर ज्ञात किया जा सकता है। हमें घनाभाकार डिब्बा बनाने के लिए उसकी सभी फलकों की आवश्यकता होगी, इसलिए गत्ते का क्षेत्रफल घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। चलो मैं इस सूत्र में अपने डिब्बे की लंबाई 27 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर को क्रमशः L, B और H की जगह लिखकर इसे हल कर लूं। देखो थॉमस, मेरे घनाभाकार डिब्बे के लिए हमें 1798 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की आवश्यकता है। चलो अब हम वापस लौटकर अपने अपने डिब्बे बनाने के लिए गत्ता खरीद ले और झट से डिब्बे बना ले। दोनों दोस्तों ने मिलकर गत्ता खरीद लिया और अपने अपने डिब्बे बनाकर उनमें वो बिखरी हुई वस्तुएं भर ली। इस वीडियो में आज हमने घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।